गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सगन, आप सबका स्वागत है यू वीवो यूट्यूब चैनल में। तो गाइज अभी लगभग सवेरे के बज रहे हैं 8:26 और आप लोग देख सकते हैं कि बाहर का जो धूप है बड़ी खतरनाक वाला धूप छोड़ा है। आजकल 7 बजे से धूप निकलना चालू हो जाता है और इतना कड़ाके के धूप लगता है ना गाइज, मतलब क्या बोलते हैं, स्किन सब मतलब जलने टाइप लग जाता है। आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार धूप है बाहर। तो गाइज अभी तो सवेरे के 8 बज रहे हैं और मैं अपना ब्रश व्रश जो होता है सवेरे में जो करते हैं सब करके रेडी हो चुका हूँ। तो पहले देखते हैं कि किचन में आज क्या बना है। सबसे पहले वो देख लेते हैं ब्रेकफास्ट करने का जो मम्मी क्या बना रही है, पहले वो देख लेते हैं। इसके बाद फिर क्या काम वो सब होगा देखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। इधर हम लोग का एक जन कुल्हाड़ी को धार कर रहा है। अभी कुछ देर बाद लकड़ी काटा जाएगा, लकड़ी पड़ा जाएगा। अगर लकड़ी नहीं फाड़ेंगे तो यार खाना बनाओ किससे बनाएंगे लकड़ी भी तो फाड़ना ज़रूरी है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं बाहर में कुछ इस प्रकार धूप लग रहा है ना, बड़ी जोरों की धूप। तो गाइस अभी मैं किचन में हूँ, कुछ इस प्रकार का किचन आप लोग देख सकते हैं। और इधर है सब्जी। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सब्जी बन रहा है, अभी सब्जी बनकर तैयार नहीं हुआ। तो कुछ देर एक काम करते हैं कि लकड़ी को फाड़ देते हैं, उसके बाद खाने के लिए खाना भी तैयार हो जाएगा, मतलब सब्जी भी तैयार होने में टाइम लगेगा। चलिए चलते हैं, तो लकड़ी को थोड़ा फाड़ देते हैं, उसके बाद खाना सब्जी रेडी हो जाने के बाद खाना खाएंगे। छुटकू आशीष क्या बोना छू रही किचू ना आए, इसका नाम है आशीष। गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही नटखट बच्चा है, इतना नटखट है ना, देखने में बहुत भोला लगता है लेकिन बहुत ही नटखट बच्चा है। इसको सवेरे हुआ मतलब 10 रुपया चाहिए खाने के लिए, अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, इसी के लिए रो रहा था सवेरे से। अभी देख रहे भोला सा बन के खड़ा हुआ है तो गाइस आप लोग देख सक रहे हैं कुछ इस प्रकार से लकड़ी फाड़ा जाता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी कभी लकड़ी उकड़ी फाड़े हैं कि नहीं, कितना जोर लगाना पड़ता है, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। का जी कितना जोर लग रहा है, जोर कितना लग रहा है, थोड़ा अपना ऑडियंस लोग को बताओ। गाइस बहुत दिनों के बाद आज लकड़ी को फाड़ेंगे, देखते हैं कैसा लगता है, इसको फाड़ पाते हैं कि नहीं, चलिए देखते हैं। क्या मामा जी क्या खा रहे हैं? पखाल भात। कैसा लग रहा है, टेस्ट लग रहा है कि नहीं? हाँ तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आज खाने में बना है पखाल भात और सब्जी है पटल आलू भिंडी और मिर्चा। पूरा फेवरेट वाला, मेरा फेवरेट है पखाल भात। देख सकते हैं भैया भी बैठ चुके हैं इधर, और पखाल भात और सब्जी तो वही सेम चीज़ है। मेरा भी खाना आ चुका है, पहले खा लेते हैं गाइस, सबसे पहले जल्दी से खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना पीना हो चुका है कंप्लीट। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रैक्टर के सामने। आज शायद मेरे को लगता है कि खेत में इसको ले जाना पड़ेगा क्योंकि खेती का काम भी चल रहा है, हल वगैरह भी होगा। तो हम लोग अभी जस्ट खाना करके आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। बच्चा लोग भी बैठा हुआ, बच्चा पार्टी सब है, इन लोग के साथ थोड़ा मौज मस्ती कर रहे हैं। अभी लोग के साथ थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद शायद खेती के लिए निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सारा घास था इसमें लटका हुआ था, तो सबको काट काट के निकाले और इसमें से कुछ मतलब फाल का नाट सब ढीला हो गया था, तो हम लोगों ने उसको टाइट वगैरह सब कर लिया। और आप लोग हालत तो देख सकते हैं पूरा कीचड़ हो चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी खेत में जाना है, इसको सीधा लेके आज हल उल करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा, आप लोग देखिएगा कि हल किस प्रकार करते हैं, आप लोग को दिखाएंगे कि हल कैसा करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। क्या भैया चलते हैं ना? हाँ चलेंगे, चलो चलो चलते हैं, हल करना है, चलो चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में। तो फाइनली गाइस हम लोग आप लोग देख सकते हैं खेत यहाँ है, तो ट्रैक्टर को ले चलते हैं सीधा खेत में। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, आज थोड़ा हल उल करेंगे बहुत दिनों के बाद। पहली बार मैं कीचड़ वाला हल करने जा रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, देखते हैं कि हल कर पाते हैं कि नहीं, ट्राई जरूर करेंगे यार। है क्या। तो चलिए गाइस चलते हैं सीधा खेत में। तो फाइनली गाइस हम लोग डीजल लेके आ गए हैं, इसको डालते हैं। तो डीजल कम था गाइस, दे सकते हैं। पूरा नहा रहा है, पूरा एंजॉय कर रहा है। चाचा सुना बचा, सुना बचा। आप लोग जिन लोगों ने देखा कि कैसे पानी में खेल रहा था, तो गाइस पापा लोग ने बोल दिया कि ये काम सब हम लोग कर देते हैं, तुम लोग नहाओ जाओ। तो चलिए चलते हैं हम लोग। देख सक रहे हैं कि दोनों भाई कैसे नहा रहा है, पूरा अल्टीमेट तरीके से दोनों नहा रहे हैं। ओए साबुन लगा, साबुन 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 लगा, पूरा घास, पूरा घस घस के नहाओ, घस घस के जल्दी से नहा लो। हो गया क्या? हाँ। तो दोस्तों नहाना भी हो चुका है कंप्लीट और खाना भी हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि यार बहुत ज़ोर से भूख लगा था ना, तो रह नहीं सके, तो इसलिए खाना वाना भी खा लिया नहाने के बाद ही। तो गाइज़ अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यार मेरे को लगता है कि आज का ब्लॉग जो है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, इसीलिए ब्लॉग को ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटा को दबा दीजिए, ताकि चैनल में आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।